हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हमारे साथ जुड़ते रहिए और क्रैक करते रहिए किसी भी एग्जामिनेशन को स्मार्टली एंड कॉन्फिडेंटली। हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आते रहेंगे ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। आप इसी तरीके से अपने प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स के बारे में। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्रैश कोर्स चल रहा है और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर बताइएगा, कोई भी क्वेरीज आती है तो जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है आपको ये वीडियो तो वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यूमेरिकल डीबीटी जेआरएफ क्रैश कोर्स इज रनिंग ऑन। बूस्ट योर प्रिपरेशन विद अस एंड माय नेम इज वीरेन सिंह। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। लाइक फॉर द केमिकल रिएक्शन, दिस केमिकल रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चंस देख के कई लोग डर जाते हैं और छोड़ छाड़ देते हैं क्वेश्चन को और फिर चले आते हैं। सो फॉर द केमिकल रिएक्शन C2H5OH लीटर 3O2 2CO2 2H2O, इफ द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी एट 298 केल्विन इज 1368 किलो जूल पर मोल, द एंड चेंज इन एंथैल्पी विल बी। अब ये सवाल उठता है कि ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1368, लेस देन 1368, इक्वल टू जीरो और नेगेटिव। सो इट इज वेरी बेस्ड ऑन सिंपल फिनोमेना। अगर आप बात करते हैं, बहुत ही सिंपल फिनोमेना पे बेस्ड है, सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है। इफ यू नो दैट फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता था। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज क्यू प्लस डब्ल्यू, अगर एक नॉर्मल फिनोमेना हो रहा है तो ये चीज़ चल रही थी। और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में अगर क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बोला जाए, क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अगर हम क्यू को एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर बात करते हैं, क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी द डेल्टा एच। ये जो हो जाएगा डेल्टा एच हो जाएगा, एंथैल्पी हो जाएगी। Q at a constant pressure is enthalpy. So this formula modified at a constant pressure delta E is equal to delta H plus W. And अगर delta H पता करना है, normally delta H पता करना है तो this W को यहाँ पे भेजना पड़ेगा। So delta H would be the delta E minus W. Delta E minus W, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर कभी भी इंथैल्पी आपको देखिएगा इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी दी हुई है, मतलब चेंज इन डेल्टा ई दिया हुआ है इतना 1368। कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है यहाँ पे, वर्क डन हुआ होगा तो कुछ ना कुछ वर्क डब्ल्यू, अगर 1368 था इसमें से वर्क डन कुछ ना कुछ माइनस करना होगा। मान लो 10 किलो जूल है कुछ भी इस रिएक्शन के लिए, तो एनर्जी के लिए, तो ये इंथैल्पी जो होगा इससे तो कमी आएगा ना, क्योंकि समथिंग इज लाइक सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस इंटरनल एनर्जी। इस इक्वेशन में ई माइनस डब्ल्यू में डेल्टा एच जो है कुछ ना कुछ इससे माइनस हो रहा है, तो एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी से ज्यादा कैसे होगा, लेस देन ही होगा। तो दिस वुड बी लेस देन द 1368। इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आंसर जो हो जाएगा, इट शुड बी लेस देन 1368। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड यू हैव टू थिंक वेरी वेरी लाइक कॉमनली। आप इसको कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। लाइक इफ अ ड्रॉप ऑफ स्वेट, ड्रॉप ऑफ स्वेट, ठीक है, एक ड्रॉप ऑफ स्वेट जो है एवोपरेट हो रहा है फ्रॉम बॉडी, द वर्क डन इज, ड्रॉप स्वेट एवोपरेट हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली वॉल्यूम का चेंज हो रहा है भाई, वॉल्यूम का ही चेंज हो रहा है ना। जब वॉल्यूम का चेंज हो रहा है तो यहाँ पे वर्क डन जो क्या हो जाएगा, पहले जो वॉल्यूम जो होगा ड्रॉप का, मान लो कि 1 ml था, इसके बाद ये कम हो गया, एवोपरेट हो गया, मान लो ये 0.1 ml बचा। सो दिस इज लाइक वर्क, ये वॉल्यूम V1, ये V1 था, ये V2 था, प्रेशर कितना था, एटमोस्फेरिक प्रेशर, दिस इज V2 माइनस V1, दिस इज वर्क डन, चेंज इन द वॉल्यूम, क्योंकि स्वेट जो होता है वो वॉल्यूम में ही तो होता है। वाटर क्या है, आप उसको केजी में नहीं मेजर करोगे ना, वॉल्यूम में मेजर करोगे ना, तो दैट शुड बी V2 माइनस VN। और ये डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, ये क्या मतलब बकवास किया जा रहा है, खुद सोचो। वर्क डन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, वर्क डन एंथैल्पी हो जाएगा, वर्क डन फ्री एनर्जी हो जाएगा। इतना ऑड वन आउट है इस क्वेश्चन में, अगर देखेंगे कि ये तीनों अलग है और ये ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन इतना इजी था, 3 नंबर आप अचीव कर सकते थे। तो क्वेश्चन आप भागते हो, बेसिक चीजों पे अगर फोकस करोगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे।
इसके अलावा जब हम बात करते हैं, आंसर डी इज देयर, जैसा कि सिंपली मैंने आपको बताया, वर्क डन को किसी भी प्रोसेस में दो तीन तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वर्क डन इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी बॉडी को मूव करना होता है कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के, कहीं कुछ दूर तक आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम इनटू प्रेशर होता है, चेंज इन वॉल्यूम इनटू प्रेशर भी होता है जिससे वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कि मान लो कि कोई वॉल्यूम है, यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे 10 लीटर पाया जा रहा था, ऊपर से आपने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगा के इसको कंप्रेस कर दिया, तो ये है वॉल्यूम वन, ये है वॉल्यूम टू, दिस इज लाइक प्रेशर की वजह से हो गया, तो ये है प्रेशर इंटू वी टू माइनस वी वन। ये फॉर्मूला भी लगता है आपके वर्क डन कैलकुलेट करने में। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोसिएशन फॉर एन एक्वस एसिड एच ए गिव्स एच ए प्लस एच टू ओ एच थ्री ओ प्लस ए माइनस देन पी के ए इज, पी के ए क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझने की कोशिश करना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ के, अच्छा डेल्टा जी इंटू आर, एच इंटू आर, एच वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, इतना ऑड वन आउट कुछ दे रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखो कि एग्जैक्टली कैसे चलेंगे। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, फॉर्मूला जनरली क्या पढ़ते हैं आप, डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ये होता है आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है। और एल एन को लॉग में अगर कन्वर्ट करें दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी, लॉग हो जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम। नॉर्मली क्या है कि के इक्विलिब्रियम या हम डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी के ऊपर जब हम बात करते हैं, के इक्विलिब्रियम की जगह के ए भी रख सकते हो, इट्स नॉट अबाउट के इक्विलिब्रियम, आप इसको के ए भी रख लो। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जस्ट सीयर, क्योंकि के ए के ऊपर बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे के ए के टर्म में समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, टेंशन ना हो कि सर आप इक्विलिब्रियम बता रहे हो वहाँ तो के ए रख दिया, ऐसा कैसे हो गया। तो सी दिस इज के ए, ये के ए चल रहा था, आपने पढ़ा हुआ था जैसे पीएच में क्या पढ़ते हो, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसी एच प्लस आयन का नेगेटिव लॉग ले लेते हो, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द पीएच, ये आगे पी जुड़ जाता है। ऐसे ही अगर के ए है, इसका हमने नेगेटिव लॉग ऑफ के ए रख लिया तो दिस वुड बी द पी के ए हो जाएगा। ये देखो इस इक्वेशन में लॉग के ए है, माइनस यहाँ पे है, इस वैल्यू को रखोगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी विल बी द पी के ए, ये है पी के ए। अब आपको पी के ए चाहिए तो ये वैल्यू उधर भेज दो, दैट पी के ए वुड बी द डेल्टा जी नॉट इज डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी, दिस इज द केस, हो गया आंसर। देखो यही तो था यहाँ पे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें इक्वेशन वगैरह सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए होता है, आपको बड़ा बनाने के लिए क्वेश्चन को होता है कि हाँ ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट यूज करना था, आप आसानी से सॉल्व कर ले जाते। तो ऐसे क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इन एन एंजाइम एसे द करेक्टेड एब्जॉर्बेंस रीडिंग ऑब्टेंड द ऑब्टेंड इन एडिशन ऑफ 100 माइक्रोलीटर ऑफ एंजाइम एक्सट्रैक्ट इज 0.025। ये जो है एब्जॉर्बेंस किया गया है, गिवन दैट वन यूनिट ऑफ एंजाइम, इट इज गिवन दैट द वन यूनिट ऑफ एंजाइम, गिवन दैट वन यूनिट ऑफ एंजाइम इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एब्जॉर्बेंस बाई 0.01 यूनिट, 0.01 absorbance by 0.01 unit under the AC conditions, the enzyme activity of the extract would be, क्या है enzyme activity, units per ml। जब बोला जा रहा है कि एक यूनिट जो है इतने के ऊपर बात कर रहा है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि एक यूनिट पर ml पूछ रहा है, तो इसमें बहुत सिंपल सा फंडा है, समझने की कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं कि आप इस पर्टिकुलर चीज से भी दिखा सकते हो, देखो कि ये है यूनिट्स, ठीक है ये है यूनिट्स के हिसाब से, और ये है माइक्रोलीटर, इसको एमएल में कन्वर्ट करो डिवाइड करो, अपने आप चीजें आ जाएंगी, आ गया क्वेश्चन, कुछ है नहीं, लेकिन देखिएगा कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा कि वॉल्यूम जो दिया हुआ था, व्हाट एग्जैक्टली दे हैव गिवन, वॉल्यूम जो यहाँ पे दिया हुआ था, वॉल्यूम जो दिया हुआ है 100 माइक्रोलीटर दिया हुआ है, एब्जॉर्बेंस जो दिया हुआ था 0.025 आई थिंक ये दिया हुआ है, लेट मी चेक इट,
सो 0.025 दिया हुआ है, यस 0.025 दिया हुआ है। एक यूनिट कितने एब्जॉर्बेंस को बढ़ा रहा है, ठीक है, एक यूनिट कितने एब्जॉर्बेंस को बढ़ा रहा है, देखो इतना एब्जॉर्बेंस था, ये बोला जा रहा है कि वन यूनिट बढ़ा रहा है 0.001, ये बढ़ा रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। 100 माइक्रोलीटर को हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना ml हो जाएगा, दिस इज 0.1 ml, बोलो है कि नहीं है, किसी को नहीं पता है तो ध्यान देना कि अगर नॉर्मली अगर 1 ml से, ठीक है, 1 ml से मिली ml में जाते हैं, माइक्रो ml में जाते हैं, जब ये नॉर्मली ml था इसको माइक्रो में कन्वर्ट करते हैं, तो जब माइक्रो में कन्वर्ट करते हैं तो 10^3, मान लो ये माइक्रो ml है, जब जाते हैं तो यहाँ पे 10^3 का मल्टीप्लाई करते हैं, और माइक्रो से ml में जाते हैं तो 10^-3 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये वैल्यू जो होती है जब बढ़ती जाती है निगेटिव वाली, तो हम मल्टीप्लाई इससे करते हैं और डिवाइड करते हैं। अगर नैनो लीटर में चला जाएगा तो 10^3 से मल्टीप्लाई होगा माइक्रो से नैनो, और नैनो टू माइक्रो चलेंगे तो 10^-3 का मल्टीप्लाई होगा। तो लिमिट हायर जा रही है क्योंकि नैनो में 10^9 होता है, इसमें 10^-6 होता है, इसमें 10^3 होता है, ठीक है, इस तरीके से चीजें जो बढ़ रही थी कुल मिला जुला के, और लीटर में जो हो जाता है वन अगर होता है, तो इसमें अगर ml करना है तो 10^3 करेंगे, और इसमें जो हो जाता है दिस इज 10^-3। तो दिस इज ये जो है ये ध्यान रखना कि कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ml माइक्रोलीटर बेसिकली 1 लीटर ml एंड माइक्रोलीटर, इसका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। जब भी लीटर से ml और माइक्रो में जाएंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे 10^3 का, नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो -3 का मल्टीप्लीकेशन चलता रहेगा। तो ये माइक्रो से ml में जा रहे हैं मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 10^-3, जिसकी वजह से यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, ठीक है। यह है 10^2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10^-3 से, बचेगा 10^-1, 10^-1 को हम 0.1 लिखते हैं। नाउ सी, तो ये जो था मैंने बता दिया जिसको नहीं समझ में आ रहा था, अब एब्जॉर्बेंस जो है वो 0.025 दिया हुआ है। जब 0.025 दिया हुआ है एब्जॉर्बेंस, तो यहाँ पे एक पंगा बचता है, पंगा क्या है कि ये एक यूनिट से इतना एब्जॉर्बेंस आ रहा है, तो यहाँ पे कितने यूनिट है, ये यूनिटरी मेथड लगाओगे, अगर एक यूनिट से इतना है तो इसमें कितने यूनिट है, इसको डिवाइड कर दो 0.025 डिवाइडेड बाई 0.001, कितने यूनिट आ जाएंगे यहाँ पे, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 यूनिट जो है वो आ गया। आपसे एक्टिविटी पूछा है या स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछा है, दिस इज उन्होंने यूनिट दिया हुआ है यूनिट्स पर ml, टोटल यूनिट 25 यूनिट है, ml है 0.ml, रख दो भाई 25 यूनिट डिवाइडेड बाई 0.1 ml, दिस वुड बी 0.1 से करोगे तो दिस वुड बी 250 यूनिट्स पर ml आ गया। आंसर शुड बी डी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 250 ml आया हुआ है, हियर दिस इज 250 ml, ये जो है 250 ml है आंसर यूनिट्स पर ml में। तो ज़्यादा डिफरेंट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, किसी क्वेश्चन को इंटरप्रेट करोगे ना तो आराम से सॉल्व कर पाओगे, इंटरप्रेट करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर इंटरप्रेट करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प ले सके और क्रैक कर सके अपना ड्रीम एग्जामिनेशन। सो लेट्स कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। If your dream is to clear the CSIR NET Life Science, I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it.